शराब के नशे में चिकित्सालय में तोड़फोड़। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी में जिला चिकित्सालय की इमरजेंसी सेवाएं हुई बाधित। एक माननीय के भतीजे ने शराब के नशे में रात को काटा हंगामा। इससे पहले भी दो बार डॉक्टरों से कर चुका है अभद्रता, जिसको लेकर जिला अस्पताल कर्मियों ने हड़ताल की। बताते चले कि बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सांसद रेखा वर्मा का भतीजा बताता है, अपने आप को आए दिन करता रहता है दबंगई, और आज ही कमिश्नर का दौरा भी, जिसमें जिला प्रशासन के हाथ पांव फूले मान मनौल का दौरा हुआ शुरू। देखिए लखीमपुर खीरी से पुनीत कुमार की रिपोर्ट। 1:30 बजे की बात है, 4-5 अज्ञात लोग आए थे, दारू पिए थे, हाथ में हाकी लिए थे, इमरजेंसी में तोड़फाड़ की, कुछ रजिस्टर फाड़ दिए और हमारा बीपी इंस्ट्रूमेंट और पल्स ऑक्सीमीटर आला ये सब लेके चले गए। यहाँ बड़ा तोड़फोड़ किया, इसी विरोध में आ दिए। जो लोग तोड़फोड़ किए थे उन लोगों को कुछ पता चल पाया वो कौन लोग थे, किस बात को लेकर के तोड़फोड़ किया? अब वो यहाँ आए थे और इससे पहले भी 2-3 बार आ चुके हैं और यहाँ कह रहे थे मेरा मरीज गाड़ी में देखिए वहाँ पट्टी बांधी है। हमारा एक कर्मचारी गया भी वहाँ पट्टी बांधने के लिए, उसको भी हड़काया धमकाया। उसके बाद 112 भी बुलाई गई, 112 में दो गाड़ी आई थी, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया उस पर। ये लोग कौन थे कुछ पता चल पाया? पता नहीं, 4-5 लोग थे। कोई बता रहा है कि वो सांसद जी का भतीजे थे, कुछ बात ऐसी है। क्या कौन सांसद? इसकी तहरीर वगैरह आप? तहरीर जा चुकी है अभी, और जब तक तहरीर की मतलब कापी नहीं आ जाती है मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, तब तक हम लोग अभी कोई कार्य नहीं करते।